सीएससी। आज अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिमांड ही डिमांड है। जिससे भी बात करो सब यही कहते हैं कि मुझे चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन। चलिए आज हम सब देखते हैं कि क्या और क्यों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डिमांड है, क्या क्या रीजन है और क्या क्या जानने वाले हैं, उन सभी बातों को यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्यों ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इतना ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, साथ ही साथ में ये देखेंगे कि फ्यूचर में क्या इसका डिमांड रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, ये भी जानेंगे। और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो ऐसे, मतलब क्यों स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को ही प्रिफर कर रहे हैं, दूसरे को क्यों नहीं प्रिफर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने कंप्लीट कर ली है तो आने वाले समय में जो आपको पैकेज मिलने वाला है, जो आपको कैंपस में सिलेक्ट करने के बाद जो आपको एनुअल जो सैलरी मिलने वाली है वो कितनी होगी, ये सारा कुछ हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए और हम सब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस साइंस एंड इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है, क्या इसका डिमांड है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो सभी के मन में क्वेश्चन आता है कि क्यों इतना ज्यादा डिमांड में है सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, क्यों इतना डिमांड में है, तो इसके पीछे का रीजन है, पहला है डेटा साइंस। यहाँ पे देख सकते हो डेटा साइंस, बिग डेटा। बिग डेटा मतलब सारा इंफॉर्मेशन जो एक जगह पे कलेक्ट है, सारा इंफॉर्मेशन A to Z इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसको बोलते हैं एंड मशीन लर्निंग, ये सारा कुछ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आ जाता है। जो भी इंडिया के सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो ब्रांच है, कोर्स है, उसमें जो भी एडमिशन लेते हैं उनके लिए ये और बहुत ही लार्ज पैकेज उनको पे मिलता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं कि ये सारा डिटेल होने की वजह से ये ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टूडेंट के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या सीएससी का डिमांड फ्यूचर में भी रहने वाला है, फ्यूचर में भी, तो इसके पीछे का रीजन है कि जो भी ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में है वो आगे जाके अपने कैरियर को परस्यू भी कर सकता है, अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज हो सकता है, कंप्यूटर साइंस के अलग अलग उसमें फील्ड हैं। ठीक है, जैसे कि मैं मोस्टली इंक्लूडेड फील्ड की बात आप बताऊं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्क इंजीनियरिंग है, वेब डेवलपमेंट है, तो ये सारे अलग अलग फील्ड हैं जिसमें वो एक्सपर्ट बन सकती हैं। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले। ठीक है, तो इसलिए भी ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये भी मन में क्वेश्चन आया स्टूडेंट के कि क्यों, मतलब सभी स्टूडेंट क्यों प्रिफर कर रहे हैं सीएससी, तो ये ट्रांसफरेबल स्किल है, ट्रांसफरेबल स्किल है। ठीक है, स्टूडेंट मतलब पिकअप कर सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, एनालिटिकल स्किल को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन टू डिटेल एंड वर्क इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मोड विच इनेबल देम टू अडेप्ट इजिली टू ऑल सिचुएशन एट वर्क। किसी भी सिचुएशन में रहेंगे एज इजिली उसको इनेबल कर पाएंगे। ठीक है, और ये स्किल सर्व करते हैं एक अपने गोल को अचीव करने के लिए, एक उनका ये बेस होता है, ये जो स्किल होता है ये उनका एक बेस तैयार हो जाता है। इसलिए भी मैक्सिमम स्टूडेंट सीएससी प्रिफर कर रहे हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में अटैच करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें आपको जो मन में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आपको सामने प्रोवाइड कर सकें। व्हाट इज द फ्यूचर सैलरी ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे 5 लाख से लेके, एवरेज होता है वो 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख से लेके 80 लाख तक पर एनम इसके पैकेज हैं। आप अगर मैं अलग अलग कॉलेजेस के बारे में बताऊं कि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पे उन्होंने डिसाइड करके रखा है कि यहाँ पे वही कैंपस को वो आने के लिए प्रिफर करेंगे या इंडस्ट्री को आने के लिए प्रिफर करेंगे जिसकी मिनिमम पैकेज
12 लाख या 20 लाख को, उसके बाद वो जितना ज्यादा और देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो इसलिए भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं भी प्रेफर करता हूँ कि अगर जो कैपेबल है, और मैं ये भी एक राय देना चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट ये उत्साह में, एक एक्साइटेड में सीएससी तो ले लेते हैं, लेकिन लेना बड़ी बात नहीं है, उसमें जो स्टडी है उसमें आपको टॉप पे रहना होगा। अगर टॉप पे रहेंगे तो टॉप वाली सैलरी मिलेगी, एवरेज में रहेंगे तो एवरेज वाली सैलरी मिलेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको एडमिशन मिल गया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो आपको स्टडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से एवरेज में नहीं बनना पड़ेगा, समथिंग डिफरेंट आपको बनना पड़ेगा, तब जाके आपको टॉप लेवल की सैलरी मिलेगी। और कोई जरूरी नहीं कि इतना ही रेंज है, ये 5 लाख टू 18 लाख ही नहीं है। मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 45 लाख पर एनम भी उनकी पैकेज है, उससे भी ज्यादा पैकेज है। ये तो इंडिया की बात बता रहा हूं, अगर फॉरेन में चले जाएंगे तो करोड़ों का पैकेज मिलता है। तो मेरा मानना है कि आपको अगर इस फील्ड में अगर आपने रुचि दिखाई है और एडमिशन अगर मिल गए हैं तो आप उसमें बेस्ट बनिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी कॉलेज में हो। अगर आपने बेस्ट दिया है तो आप आने वाले फ्यूचर में बेस्ट ही बनके रहोगे। तो ये मेरा मानना था, बाकी आपके ऊपर है। आपके जितने भी क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर भी वीडियोज बनाऊं जो आपके लिए बेटर हो सके। तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।